ये रहा ट्रेन जिसमें अभी हमको बिताने टोटल 34 आवर्स। अब कैसे बिताने हैं और हम किसी को साथ लेकर के नहीं आए, हम अकेले आए, अकेले हमको सफर करना है, अकेले सोलो ट्रैवल कर रहे हैं हम अपने घर से दिल्ली तक का, जो कि पड़ता है 1 दिन 7 घंटे का सफर, पर वो टोटल मिला करके हो गया 1 दिन 11 घंटे का सफर। 1 दिन 11 घंटा हमको लगातार सफर करना, वो भी अकेले। चलिए देखते हैं हम कैसे ट्रेन में सफर बिताते हैं और क्या क्या होता है मेरे साथ। गाइस मैंने कैसे किया 35 घंटे इस ट्रेन में ट्रैवल, उसका पूरा वीडियो इस वीडियो में पड़ा हुआ है, प्लीज पूरा देखना। खतरनाक चैलेंज था, अकेले पूरा का पूरा ट्रैवल करना आसान नहीं होता है। सीट वैसे वो वाला है, वहाँ पे हमको मन नहीं लगता क्योंकि वो जो सीट मिला है उसके पास विंडो नहीं है और हमको स्पेशली विंडो सीट से मूड नहीं करता वहाँ पे रहने का। बट रात में वहीं पे सोए, रात में वहाँ सोने से एसी का ज़्यादा फायदा हुआ, सीधा एसी सर के ऊपर था, पूरा ठंडा हो गया भाई, एकदम पूरा चादर ओढ़ करके सोना पड़ा। वैसे अभी भी ट्रेन चल रही है, अभी सुबह के 6:30 बज रहे और अभी हम यहाँ पे आ गए। इस वाले सीट पे जो था वो उतर गया पटना में और जस्ट अभी पटना से खुली है ट्रेन। अभी तक सूरज उगा नहीं है तो विंडो के बाहर देखने का मजा नहीं आ रहा, पूरा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। जैसे सूरज उगेगा भाई क्या मस्त व्यू आएगा, तो इसलिए हम स्पेशली यहाँ पे आकर के बैठ गए। ठंड लग रहा है तो चादर लेकर के आए, वैसे रात में कंबल लेकर के सोना पड़ा था क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था। 2 चादर 1 कंबल था मेरे पास, तीनों ओढ़ लिए हम क्योंकि बहुत ठंड लग रहा था भाई। अभी तो हमारी ट्रेन चल रही है, अभी सबसे बड़ा टास्क है कि यहाँ पे टाइम पास कैसे करें क्योंकि पूरा का पूरा 1 दिन है मेरे पास, पूरा 24 घंटा, फिर सुबह भी है, मतलब सुबह 5 बजे उतरने वाले हैं ओल्ड दिल्ली, तो मतलब पूरा का पूरा दिन पड़ा हुआ है मेरे पास और अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं। मतलब अब जो टाइम स्पेंड करना है कैसे करना है, यहाँ पे लोग भी वैसे नहीं है कि दोस्त बन जाए, मतलब पता नहीं अजीब अजीब टाइप से लोग हैं, सब सो रहे बस। तो देखते हैं कुछ ऑर्डर करते खाने के लिए, पूरा ट्रेन कैसे बिताएंगे हम पूरा 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स से ज़्यादा लग रहा है, 1 दिन 7 घंटा टोटल तो पूरा सफ़र में ही निकालना है, तो कुछ ना कुछ करते हैं, नहीं तो फिर मन ही नहीं लगेगा, फ़ोन चला रहे कितना चलाएं और खूबसूरत नज़ारा देखते हुए जा रहे। वैसे मेरा शीशा ये वाला थोड़ा गंदा है, पता नहीं धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, सूरज भी निकल गया, सोचे थे व्यू अच्छा आएगा, सूरज डायरेक्ट वहाँ निकला। हमको लगा था कि ठंड में जैसा सूरज निकलता है ना पहले नीचे फिर धीरे 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 ऊपर जाता है, वैसे मतलब को ऐसा फॉग रहेगा ऐसा कुहासा टाइप से और फिर ऐसा सूरज निकलेगा भाई क्या मजा आएगा, और अचानक सूरज डायरेक्ट सीधा टॉप में निकल गया, इतना ऊपर यहाँ निकला एकदम यहाँ। और अब इधर आकर के बैठे हुए, मेरा सीट वैसे ये है नहीं, मेरा सीट वो वाला है, तो वो वाला पे हमको मन नहीं लग रहा और वो ऊँचा में है और वहाँ से कुछ दिखता ही नहीं, बस वहाँ बैठ के रहो, इसलिए हम इधर आ गए। खूबसूरत नज़ारा देखते हुए चलते हैं, और मेरे पास 1 रुपया भी कैश नहीं है, सब ऑनलाइन में पड़ा हुआ है और हम कुछ खरीद भी नहीं सकते चाय वगैरह, तो ऑनलाइन ऑर्डर ही करते कहीं से। ये हमारी ट्रेन कुछ ही देर पहले आरा से खुली है, अभी इससे बड़ा स्टेशन बक्सर आने वाला है तो उसी का वेट कर रहे हैं, जैसे बक्सर आएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। अब ये ऑर्डर किए कुछ तो वो बक्सर में डिलीवर नहीं हो रहा और दीनदयाल उपाध्याय में डिलीवर हो रहा, तो मम्मी घर से बना के भेजी थी ना, बहुत कुछ चूड़ा हो गया था और नमकीन वगैरह, तो वही अभी खा लेते हैं सुबह का नाश्ता में। बाकी बनारस के लिए ऑर्डर कर दिया, बनारस में आ जाएगा वेज राइस, वेज पुलाव, क्या था वेज राइस था, थाली ऑर्डर की है, थाली में बहुत कुछ रहता है, रोटी रहता है, वेज पुलाव, जीरा राइस था और भी बहुत कुछ था, पता नहीं पुलाव था कि नहीं, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है। जो ऑर्डर किया वो आने वाला है बनारस में, तब तक दोपहर हो जाएगा तो दोपहर का खाना खा लेंगे, बाकी जो सुबह का नाश्ता है वो चूड़ा और मम्मी दी थी नमकीन दी थी, तो चूड़ा और नमकीन अभी खाने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है ट्रेन में बैठ करके कुछ ऑर्डर करना बाहर से, वो वाराणसी में आने वाला है मेरा खाना, तो देखते हैं कैसे आता है, कैसे डिलीवर करता है, कैश ऑन डिलीवरी रखी, पहले पेमेंट नहीं किए, पता नहीं क्या सिस्टम है कैसे क्या होता है, तो देखते हैं। अभी जस्ट आएगा, फिर अभी नहीं आएगा, 11:30 11 बजे या फिर 12 बजे तक में आएगा, तब तक दोपहर हो जाएगा, फिर खाना खा लेंगे मस्त, फिर रात में जो डिनर वगैरह होगा फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, ऐसे करके दिल्ली पहुँच जाएंगे कल सुबह। तो अभी नज़ारा तो कुछ दिख नहीं रहा, बस खेत वगैरह है, ऐसे जंगल टाइप से कुछ आया नहीं अभी तक देखने लायक, तो अभी चलते हैं अपने सीट्स नमकीन और चूड़ा लेकर के आ जाते हैं खाने के लिए। जो मम्मी बनाई थी मेरे लिए नमकीन वो लेकर के आ गया, ये रहा मेरा पानी का बोतल और ये रहा नमकीन, आए हाय, ये मम्मी बना दी थी, यास्मीन और सहरावाजी मिल करके बनाई थी,
अब मम्मी भी, तो ये रहा नमकीन, इसको खाते अभी और इसी को खा के बनारस तक चलते हैं, फिर बनारस में वहाँ से खाना आ जाएगा मेरे लिए, तो इसको खाते अभी। फाइनली अभी हम लोग काशी पहुँच गए, ये रहा ब्रिज। अभी हम यूपी में, अब बनारस आने वाला है, बनारस से पहले काशी आ गए, बनारस काशी। ओ भाई वहाँ पे मस्त नमो कर रहा है, गंगे नमो। अब बस कुछ ही दूर है फिर अभी हम लोग पहुँच जाएंगे बनारस, और फिर मेरा ऑर्डर भी आ जाएगा बस कुछ ही देर। सामने ट्रेन आ गया, व्यू छुप गया यार। गाइस असली वाला घाट उस साइड था, हम इस साइड समझ के बैठे थे, इस साइड बस कुछ ही कुछ दिख रहा है। फाइनली अब भी हमारे ट्रेन वाराणसी पहुंच गए। अब पता नहीं मेरा ऑर्डर वाला किधर है, अभी तक फ़ोन भी नहीं आया। बाकी ये है कुछ सेकंड एसी जिसमें चार रहता है, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, बाकी दो उस साइड। मेरा बैग वहाँ पे है, मेरा सीट वो है, यहाँ पे एक अंकल आकर के बैठे हैं। काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद अभी सुबह हम उतरने वाले दिल्ली, जैसे कि आपको बताया खाना ऑर्डर किया, अभी तक खाना भी नहीं आया। और अभी हमें राम की नगरी अयोध्या में, गाइस यही है अयोध्या स्टेशन जहाँ पे राम मंदिर बना है, यही है वो स्टेशन, अयोध्या धाम इसका नाम है, यही अयोध्या जंक्शन या फिर अयोध्या धाम नाम है इसका। फाइनली अभी हमारे ट्रेन अयोध्या से निकल चुकी है और अभी हम लोग जाने वाले हैं आगे अयोध्या जंक्शन, जो कि पता नहीं क्या कुछ उसका पहले कुछ नाम था, अभी उसका नाम चेंज कर दिया है, जो अयोध्या जंक्शन है वो अयोध्या कैंट है, वहाँ पे मेरा खाना आएगा। बाकी ये है अयोध्या स्टेशन, चाय सब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम, क्योंकि इस रूट में हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो ट्रेन का ऑनलाइन ऑर्डर वाला सर्विस है ना, बहुत ज़्यादा बेकार है भाई। फर्स्ट चुके हम वाराणसी में एक बार ऑर्डर किए, उस टाइम पे भी गया, और अभी अयोध्या कैंट है वहाँ पे आएगा कि नहीं देखते, अभी जस्ट अयोध्या कैंट पहुँचने वाले हैं बस, अभी यहाँ से खुली है अयोध्या धाम से। अंदर एसी में बैठे बैठे पता ही नहीं चल रहा कि बाहर में इतना ज़्यादा गर्मी, अभी बाहर निकल रहे भाई खतरनाक धोख लग रहा है, एकदम खतरनाक गर्म गर्म हवा आ रहा है, हीट वेव पूरा चल रहा, पूरा गर्म हवा। भाई सब अंदर ही चलते हम। फाइनली बहुत देर के बाद हमको खाना मिला, अभी जस्ट हम खाना खाए, और खाने में था वो पनीर था, आलू था, दाल था, चावल था, और भी बहुत कुछ था। बाकी ये हम लोगों का ट्रेन बठिंडा और एसी, और मेरा सीट इसके बीच में है, 19 से 24, हाँ इसी के बीच में ये वाला सीट मेरा यहाँ। बाकी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है, एसी का पूरा पानी खाली कर रहा है, और इसी की वजह से रुकी हुई है क्योंकि एसी का पूरा पानी फुल हो गया और एसी बंद हो जा रहा बीच बीच में, तो अभी पानी क्लियर करके वापस से ट्रेन चलेगी। और अभी हम हैं यहाँ पे अयोध्या कैंट में। गाइस मेरे साथ एक और सीन हो गया कि हम रेलवे की तरफ से भी ऑर्डर कर दिया और साथ में जोमेटो में भी ऑर्डर कर दिया। अब हम सोचे थे दोपहर का खाना खाएंगे, रात में कुछ खा लेंगे मेरे, या फिर रात में ही अब आएगा, हमको लगा था ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बट ये वाला नहीं हुआ, इससे पहले वाला कैंसिल हो गया जो दोपहर में गए थे, शाम में अभी मिला, अभी जस्ट खाएं, और फिर वापस से रात के लिए भी ऑर्डर हो गया मेरा, जो कि लखनऊ में मिलने वाला है हमको, वो हम जोमेटो से ऑर्डर किए। दो बार हम रेल से किए ना, तो एक बार आया नहीं, एक बार हमको लगा इस बार भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, फिर अचानक से लास्ट टाइम आया। तो फाइनली अभी भी खा लिए और रात में भी खा लेंगे, और हर दोनों बार हम थाली ही मंगाए। बाकी अभी पानी भर रहा था, बोल रहा था कि बाथरूम वगैरह में ख़त्म हो गया, अयोध्या से निकल गए। अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी जाकर के मेरा पार्सल आ गया, जो कि हम जोमेटो की तरफ से ऑर्डर किए थे। ये रहा मेरा पार्सल, जिसके अंदर क्या क्या मिला देखते हैं थोड़ा। एक ऑर्डर जो हम दोपहर में किए थे खाना, वो बहुत ज़्यादा लेट से आए थे, वो शाम में खाए थे, और अभी जो किए जोमेटो से वो इस टाइम पर आ गया। और इसमें है यहाँ पर मिक्स वेज है, इसके अंदर शायद पनीर है, यहाँ पे अचार है, यहाँ पे दाल है और सलाद है, और दिया तक दो गुलाब जामुन मिलेगा, दो गुलाब जामुन नहीं है, साथ में यहाँ पे रोटी है, यहाँ पे चावल है, और इसमें दही है। बाकी ये फट ही नहीं रहा, बहुत गंदा पैकिंग है भाई, तो ये ऊपर से चिपका दिया सीधा सीधा, खड़ी नहीं रहा, अब ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे सारा उड़ ना जाए, तो इसको आराम से निकालते पहले। ये रहा मेरा रात का खाना, जो कि जीरा राइस, और इसके अंदर है ये रहा पनीर, ये है गुलाब जामुन का स्कैम, गुलाब जामुन दो दिखा करके एक मोती चूर दे करके चला गया, कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि चला गया भाई साहब स्कैम कर लिया जोमेटो वाले। ये पूरा का पूरा खाना मेरे को 250 रुपये का पड़ा, ऑफर लगा के बस 180 रुपये का आ गया ये सारा कुछ, और जो सुबह ऑर्डर किए थे वो 190 रुपये का आया था, उससे तो लाख गुना अच्छा है भाई ये। और साथ में इधर रोटी भी है 3 पीस। पूरे ट्रिप में अगर कोई चीज़ सही हुआ है तो ये हुआ है कि आलू का पराठा मिला रोटी समझ के ऑर्डर किए, और दो आलू का पराठा, एक नान टाइप से पराठा मिला है, ये भी शायद आलू का ही पराठा है। मस्त मज़ा आ रहा खाने में भाई।
250 रुपये का 180 रुपये मिल गया, और रेलवे वाले से तो लाख गुना अच्छा है भाई। अभी सुबह के 8 बजने वाले और अभी जा करके हमारी ट्रेन दादर में रुकी हुई है। ऐसे ये छोटा स्टेशन है, यहाँ रुकने का है नहीं, बट रुकी हुई है पता नहीं क्यों। आगे शायद सिग्नल जाम होगा इसलिए अभी तक क्लियर नहीं हुआ। वैसे मेरा ये सफ़र था बस एक दिन और 7 घंटे का, और अभी हो गया 34 घंटे का टोटल। 4 घंटा लेट चल रहा है ट्रेन, तो बढ़ गया समय। सोचे थे कि सुबह 5 बजे हमको दिल्ली पहुंचना था, बट सुबह 5 बजे दिल्ली नहीं पहुंच सकते। अब हम पहुंचेंगे 9:30 बजे या फिर 9 बजे के आसपास दिल्ली। ये रहा ट्रेन जिसमें अभी हमको बिताने हैं टोटल 34 आवर्स। अब कैसे बिताना है, और हम किसी को साथ लेकर के नहीं आए, हम अकेले आए हैं। अकेले हमको सफ़र करना है, अकेले सोलो ट्रैवल कर रहे हैं हम अपने घर से दिल्ली तक का, जो कि पड़ता है एक दिन 7 घंटे का सफ़र, पर वो टोटल मिला करके हो गया एक दिन 11 घंटे का सफर। एक दिन 11 घंटा हमको लगातार सफ़र करना, वो भी अकेले। बट हाँ, अभी फाइनली गाज़ियाबाद पहुँच चुके हैं, अब कुछ देर में दिल्ली भी पहुँच जाएंगे। ये है गाज़ियाबाद, और बस इसका आधा घंटा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगेगा, और ओल्ड दिल्ली पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से ऊपर करेंगे और फिर जाएंगे भाई के पास। दिल्ली पहुंचने से पहले यमुना नदी आ गया, यह है यमुना नदी जिसमें बस नाला का पानी जा रहा भाई। तो भाई इस पूरा 34 घंटा सफर करने के बाद फाइनली अभी हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, मतलब हम अकेले पहुंचे। और तो ये रहा मेरा ट्रेन जिसका मस्त सफर गया, पूरा मस्त टाइम से पहुंच गए, और अभी दिल्ली में आए प्लेटफॉर्म नंबर 6 में। बाकी अभी ऊबर करना है और भाई के पास चलना है। गाइस, हम फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल करके खुद से दिल्ली आए, तो इस ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वापस अब दिल्ली का सफर दिखाते हैं, पूरा ट्रेन का सफर हो गया। चलिए अब दिल्ली का सफर देखते हैं।